नागपूर शहरात जबरी चोरी, घरफोड्या व वाहन चोरी करणाऱ्या सराईत गुन्हेगाराला पोलिसांनी अटक केली आहे. आरोपीकडून आतापर्यंत 15 गुन्हे उघडकीस आले आहे. यात 5 नाबालिग सोबत दोघांचा समावेश आहे. आरोपीकडून 11 दुचाकी, 7 मोबाईल असा 2,07,000 रुपयाचा मुद्देमाल पोलिसांनी जप्त केला आहे. पुन्हा काही गुन्हे उघडकीस होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. एक सक्रिय टोळी जो तयार हो गई थी, उसमें 5 विधि संघर्षग्रस्त बालक है और 2 मेजर आरोपी है. वो रात में घूमने वाले लोग जो है उनको बीच में अड़ा के दरोड़ा, जबरी चोरी जैसा गंभीर अपराध करते थे और वाहन चोरी भी करते थे, घरफोड़ी करते थे. ये कार्रवाई हमारे वरिष्ठ अधिकारी और उनके मार्गदर्शन में और DCP अनुराग जैन साहब इनके मार्गदर्शन में हमारे DBO के PSI राठौड़ और उनकी टीम इन्होंने की है. इसमें यूनिट 2, क्राइम ब्रांच यूनिट 2 का भी सहभाग मिला है. अभी तक इन आरोपियों के तपास में 15 गुने डिटेक्ट हुए हैं. उसमें 1 दरोड़ा, 1 जबरी चोरी, 11 वाहन चोरी और 2 घरफोड़ी के गुने डिटेक्ट हुए. मेजर आरोपी जो है वो राजू वाघमारे, प्रवीण शर्मा, ये वैशाली नगर PS MIDC एरिया में रहते हैं और दूसरा इंदिरा माता नगर यहाँ रहते हैं. बाकी 5 विधि संघर्षग्रस्त बालक है. अभी ऐसा लगता है कि ये नई टोली तैयार हुई थी और अभी ये पकड़े गए और उनसे ये पूरे गुने डिटेक्ट हो गए, इसलिए आगे घटने वाले जो गुने थे उन पे प्रतिबंध हो गया है. इस तरफ और भी गुने उत्पन्न होने की दाट शक्यता है और अभी तक तो 11 मोटरसाइकिल डिटेक्ट हुई है, 7 मोबाइल, उसमें 1 दरोड़ा का गुना, 1 जबरी चोरी और 11 वाहन चोरी और 2 घरफोड़ी के गुने डिटेक्ट हुए हैं. मुद्देमाल 2,07,000 का अभी तक रिकॉर्ड हुआ है.